कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी ये क्लास है वो आपकी BGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन की है और ब्लॉक नंबर 3 पर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। इसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हर एक ब्लॉक से मैंने आपको ओवर पॉइंट ऑफ व्यू बताया है ब्लॉक 1 का एंड ब्लॉक 2 का। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 बेसिकली आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं भाई आखिर है क्या क्या चीज़ें। तो यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किल, रीडिंग स्किल का मतलब क्या है भाई? आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, जब हम बोलते हैं तो एक अलग स्पीकिंग टोन हमारा रहता है, लिखते समय अलग टोन होता है, और जब रीड करते हैं तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं। तो इसमें यही बतानी है। नंबर 1, रीजन फॉर रीडिंग, व्हाई वी आर रीड समथिंग। तो रीडिंग करने का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि हम नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। वी नीड आ सम नोटिस, हम कोई नोटिस पढ़ते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई लेटर पढ़ते हैं, तो उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, यू हैव इंक्लूड इवन थिंग लाइक मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट, मेडिकल बोटल, इंगेजमेंट डायरी, है ना, इस तरह की चीज़ें हैं जो हम रीडिंग जो है वो करते हुए चलते हैं। हमारे पास बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम रीडिंग करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्यूरियस। हर एक व्यक्ति क्यूरियस होता है टू बी नो अबाउट समथिंग, राइट? हमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है टू बी डू अ पर्टिकुलर टास्क, जो हम रीडिंग के जरिए कंप्लीट करते हैं। बाय द फ्रेंड, हम अपने दोस्तों के साथ टच में रहते हैं बाय रीडिंग देयर मैसेजेस, राइट? तो ऐसे रीडिंग की जो है हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस जो है वो हो जाती है। अलग अलग तरह के रीडिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके बारे में आप सभी भी जानते भी हैं, है ना, बुक्स हो गया, आपके न्यूज़पेपर हो गए, आपके मैसेजेस हो गए, टेक्स्ट बुक हो गई, सारी चीज़ें आपकी रीडिंग मटेरियल में आती हैं। पहले आपको वो टेक्स्ट देखना पड़ता है जो आप पढ़ना चाहते हो। रीडिंग इन्वॉल्व लुकिंग एट द टेक्स्ट, उसके बाद उन वर्ड को प्रिंट करवाना पड़ता है इन पेजेस, सो दैट कि आपका जो सेंस ऑफ रीडिंग है वो इम्प्रूव हो पाए। देन उसके बाद आप वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं एंड ठीक, उसके बाद उसके कोई मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग निकालने के बाद आप एज अ टीचर जो है दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रीड जो है वो क्या करना है, एवरी लेटर ऑफ वर्ड, नोट एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस। हमें सिर्फ और सिर्फ लेटर को पढ़ना होता है, ना कि हर एक वर्ड को। इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है टोंग और टंग ऑफ लैंग्वेज में, है ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं क्रिएट होते हैं व्हेन वी एक्चुअली डूइंग अ पर्टिकुलर रीडिंग, राइट? यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है और इसके जरिए आपको रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये आपका कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है जिसके जरिए आप अपनी चीज़ों को रीड करते हैं। यहाँ पर एक, पहले हम एक रीडर होते हैं उसके बाद एक राइटर बनते हैं। रीडिंग करके हम अपने पास लोड्स ऑफ द नॉलेज विल बी गेन, अलग अलग तरह की नॉलेज को गेन करते हैं। नॉलेज गेन करने के बाद हम अपने एज अ राइटर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है एक गुड रीडर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रीडर है जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रीडिंग करता है, उसके मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। हमेशा एक जो रीडर है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में आप शोल्ड कर पाओ, ये ज़्यादा जो है वो ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर से और क्या है, करैक्टरिस्टिक्स, रीडिंग की करैक्टरिस्टिक्स। तो ये हमेशा पर्पसफुल होती है, हम किसी ना किसी पर्पस की वजह से रीडिंग को शुरू करते हैं और उसका एक एंडिंग निकालते हैं। कंक्लूजन तभी निकाले जाते हैं जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट।
सकता है। रीडिंग हमेशा सिलेक्टिव होती है, हर एक पेज को रीड नहीं किया जाता। आप सिलेक्टिवली जिस टॉपिक की ज़रूरत है उसी को रीड करते हैं। इसमें जो है वो स्पीड वेरी करती है, ये हमारा नंबर ऑफ क्ल्यू पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी है। ये साइलेंट भी हो सकती है, स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत है। इसमें टेक्स्ट बेस्ड जो है वो सेंटेंस होते हैं जो हम रीड करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल की इसमें ज़रूरत होती है, तभी हम रीड कर पाएंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही हमारा मेन जो है वो मोटो रहता है, और रीडिंग जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में हम कर पाते हैं। जो भी कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने आता है उसी से रीडिंग पॉसिबल है। लेवल ऑफ द मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है कोई ना कोई सेंटेंस का अर्थ निकालना। तो लिटरल कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन द टेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो भी टेक्स्ट आपको दिया है उसको रीडर अच्छे से समझ पा रहा है। इंटरप्रेटिव होता है लाइन्स को, रिजल्ट को निकालना और आइडिया जनरेट करना। आपके पास जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से मेन चीज़ों को निकालना। क्रिटिकल रीडिंग होती है टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते उसके एक्यूरेसी को चेक करना, वैलिडिटी को चेक करना जो टीचर करता है। क्रिएटिव रीडिंग होती है जो लिखा हुआ है उसमें अपनी अंदर से कोई नए आइडिया उसमें जो है वो इंक्लूड कर देना, राइट। तो ऐसे करके हमारी चीज़ें जो है वो चलती हुई चलती हैं। रीडिंग प्रॉब्लम क्या है, मिसयूज हो सकता है, एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। क्वालिटी बिट, आप फेल हो जाते हैं वाइल बी रीडिंग समथिंग, है ना। आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं है या आप रीडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं रीडिंग में आ सकती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग के कॉन्सेप्ट हैं, स्किल हैं, इम्पोर्टेंस है, रीडिंग क्या होती है, इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है वोकैबुलरी। जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो वोकैबुलरी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हैबिट हमारी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव आता है। एक्टिव होता है जब आप किसी भी सेंटेंस में अपने लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट, द वर्ड दैट यू कैन अप्रोप्रिएटली व्हेन यू से और राइट समथिंग फ्रॉम व्हाट इज़ नोन एज एक्टिव वोकैबुलरी, जो हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं। एंड व्हेन यू हैव एन आइडिया ऑफ एंड गेस द मीनिंग ऑफ इट बट कैन नॉट यूज़ द कॉन्फिडेंटली पार्ट ऑफ द पैसिव वोकैबुलरी, उसे पैसिव कहेंगे। जब आपको किसी भी वर्ड का अच्छे से मीनिंग पता है तो वो होता है एक्टिव वोकैबुलरी, और जब मीनिंग के बारे में आप श्योर नहीं हैं, अनश्योर हैं, तो वो पैसिव वोकैबुलरी होता है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हैं तो उसको आपने क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट है कंटेंट वर्ड एंड फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड जो है वो क्या है, द वर्ड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली आर द नाउन एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब, जिसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव, तो वो आपके कंटेंट वर्ड होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्ड उनके साथ लगे हैं ना, उसको आप फंक्शन वर्ड बोलते हैं, जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस पर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं कि कंटेंट वर्ड कौन सा है एक्सेट्रा, इस तरह का। उसके बाद है होमोनियम। होमोनियम वो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है। ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है उन्हें होमोनियम बोलते हैं, ठीक है। क्लब, तो क्लब के यहाँ पर अलग अलग मीनिंग आपको बताए गए हैं। स्पेलिंग सेम है बट देयर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट विल बी योर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से करना भाई, होमोनियम्स के एग्जाम्पल के साथ आता है पेपर में। यहाँ पर आपको बताए गए हैं होमोनियम्स, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल भी कर लेना। एंटोनियम होता है बेटा अपोजिट, किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग निकालना, उसे बोलते हैं एंटोनियम। और साइनोनियम बोलते हैं जब किसी वर्ड के आप सिमिलर मीनिंग निकालते हैं एक से ज़्यादा, तो वो सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग निकालना, ठीक। वर्ड बिल्डिंग में अफिक्सेशन होता है जिसमें प्रफिक्स और सफिक्स लगते हैं। मैंने आपको समझाया था प्रफिक्स क्या है,
वर्ड के शुरुआत में लगते हैं और सफिक्स जो है वर्ड के लास्ट में लगते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर इन सारे प्रफिक्स से हमने सेंटेंस बनाए हैं और ये आपके सफिक्स हैं जिससे कोई वर्ड बना है। कंपाउंडिंग होता है दो से ज़्यादा पार्ट को इकट्ठा करके इंडिपेंडेंट वर्ड से हम एक वर्ड को तैयार करते हैं। तो प्रफिक्स और सफिक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत आपको होगी, ठीक है। और टाइप जो मैंने आपको करवाए इस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे आपके, ठीक है। अगला चैप्टर राइटिंग पर है, राइटिंग में आपके मेथड होते हैं, वाई वी शुड राइटिंग, राइटिंग स्किल पर क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, उसके बाद कंसीडरिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ड्राफ्ट राइटिंग होता है और रिवाइजिंग। इस तरह से आप राइटिंग को कंप्लीट करते हैं। ये स्टेप्स हैं जो एक राइटिंग को कंप्लीट करने में इन्वॉल्व है। इसके बाद मेथड आपके हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट में देखें तो पर्पस, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और रीडर, इनके हिसाब से हम अपनी चीज़ें डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई आप करोगे। देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, सो दैट कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें जो है वो ऐड कर पाओ। पर्पस होता है यूजफुलनेस, कि वाई वी शुड यू रीड आ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, उसके बारे में लिखना क्यों चाहते हो, तो वो पर्पस भी होता है। अपने रीडर को जानना, यानी पर्पस फुल तो है ही, साथ में ये भी पता हो कि किस वजह से हम जो है वो रीडिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात आती है। बिगनिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले टॉपिक डिफाइन होता है, आप पर्पस डिफाइन होता है वाई वी शुड राइट अ पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप कोई स्टेटमेंट डालकर उसको इलाबोरेट करते हैं, सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे मैप होता है एडिशन ऑफ समथिंग, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने शुरू करा और उसके बाद उसके नंबर ऑफ पैराग्राफ बना दिए, ठीक है, तो ऐसे पैराग्राफ राइटिंग है। उसके बाद कोटे, जब भी हम लिखते हैं तो उसमें स्टेटमेंट हो सकती हैं, स्टैटिक्स हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई एनालॉगी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके ऊपर हम लिखना चाहते हैं। तो हमारी जो लिखने की स्किल है वो इसी पर जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। दिस विल बी द टाइप, एक्सपोजिटरी डिस्क्लोजर है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है टू बी राइट समथिंग, क्लारिफिकेशन, डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, इस तरह की राइटिंग को बोलते हैं। नरेटिव होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप किसी बात को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डिस्कोडर, जो आपका इन्वॉल्व होता है स्पेशल डायमेंशन के साथ, यानी जिसमें आप किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं। आर्ग्यूमेंटिव, जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिबेट की तरह जो लिखा जाता है, राइटर उसमें अपने और किसी दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दो से ज़्यादा व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू जब होते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। राइटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ड्राफ्ट यानी आपका टॉपिक जो आप लिखना चाहते हैं, रिवाइजिंग मतलब उस ड्राफ्ट को पढ़ना जो आपने लिखा हुआ है, रिफाइनिंग यानी उसमें से गलतियाँ ढूंढना, ऑर्गेनाइज करना, एडिटिंग भी ऐसी का टूल है आपका जिसमें आप मेन जो है चीज़ें देखते हैं, उसके मिस्टेक जो है वो चेक करते हैं, सेंटेंस, वोकैबुलरी, ग्रामर, है ना, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें इसमें है। प्रोफ रीडिंग होता है मोर देन ई रीडिंग, रीडिंग से ज़्यादा, इसमें जो है वो हर एक वर्ड को पढ़ा जाता है, लाइन टू लाइन आप ना शुरू करते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये राइटिंग की स्किल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद है फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर का परफॉर्मा अच्छे से आना चाहिए आपको, एग्जांपल आने चाहिए फॉर्मल लेटर के और उसमें कौन से शब्द यूज होते हैं, तो यहाँ पर बताए हुए हैं। इनफॉर्मल में क्या आता है,
और फॉर्मल लेटर में करते हैं। तो ये थोड़े से पैटर्न भी बता रखे हैं लेटर के, क्वेश्चन कर लेना भाई, इनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। तो इसमें और एक रिलेशन आपका क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से ये बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मल वर्ड है या इनफॉर्मल है। ये पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। तो लेटर का फॉर्मेट करना है इसमें से, और सिमिलर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ताकि अगर लेटर का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। इतना आपको इस चैप्टर से करना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के डिटेल चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं, हमने पूरा एनालाइज कर लिया है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई अब आपको ये डाउट नहीं होगा कि इसमें पढ़ के क्या जाना है। मैंने आपको वो सारी बातें बता दी जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है। हर एक ब्लॉक में मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करी हैं, ठीक है। एंड अब जो है वो पॉसिबल होगा तो मैं इसका PYQ भी आपको करवा दूँगा एक बार, ताकि थोड़ा सा और आपको आइडिया लग पाए पेपर का, ठीक है। तो सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। छोटा सा सेशन था लेकिन डिटेल नॉलेज के साथ था, आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए।